आकाशवाणी से पूरे हरियाणा को राम राम। जितनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया, मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। और लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती है, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, वो
ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठ देता हूं। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े, यह हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग